हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम रीडिंग कैंपेन पठन अभियान कक्षा छठी सातवीं आठवीं की सभी वर्कशीट सात आठ नौ दस ग्यारह ये सभी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए वर्कशीट सात सॉल्व करते हैं। बच्चों, ये वर्कशीट 24 जनवरी 2022 की है। वर्कशीट की कहानी है शेर और चूहा। यह हिंदी विषय की वर्कशीट है। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। जैसा ही आप सबको मालूम है बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। चलिए वर्कशीट करते हैं। एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक एक चूहा छेद से बाहर आया और शेर के शरीर पर कूद गया। शेर ने उसे पकड़ लिया। तो आप पिक्चर में देख भी सकते हैं कि किस प्रकार एक शेर पेड़ के नीचे सोया हुआ है, फिर चूहा छेद से बाहर आया और उसके ऊपर कूदने लगा, फिर शेर ने उसे पकड़ लिया। चलिए आगे। अब लेकिन कुछ सोच के बाद उसने उसे मुक्त कर दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद दिया और कहा कि एक दिन वह शेर की मदद करेगा। एक दिन शेर जाल में फंस गया। चूहा वहाँ आ गया और उसने जाल को काट दिया। शेर ने चूहे को शुक्रिया किया। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी। चलिए अब इस कहानी के आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, शेर ने चूहे को क्यों छोड़ दिया। तो बच्चों, आपने कहानी पढ़ी तो अब आपको क्या लगता है कि शेर ने चूहे को क्यों छोड़ दिया होगा। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं, क्योंकि चूहा डर गया और रो रो कर शेर से विनती करने लगा कि शेर जी, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की ज़रूरत होगी मैं आपकी मदद करूँगा। चूहे की बात सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम तो खुद इतने छोटे हो, मेरी मदद क्या करोगे। चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है, शेर ने चूहे को शुक्रिया क्यों किया। तो बताइए बच्चों कि शेर ने चूहे को शुक्रिया क्यों किया। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं, शेर को जाल में फंसा देख चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और शेर को आज़ाद करा दिया। चूहे की इस मदद से शेर ने चूहे को शुक्रिया किया। अगला प्रश्न दिया गया है, अपनी कल्पना से शेर और चूहे का चित्र बनाएं। तो बच्चों, आपको इमेजिन करना है, अपनी कल्पना के आधार पर शेर और चूहे का चित्र बनाना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ शेर और चूहे का चित्र लगा दिया है। चलिए रीडिंग कैंपेन की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। वर्कशीट नंबर 8, जो कि 25 जनवरी 2022 की वर्कशीट है। यह गणित विषय की वर्कशीट है। चलिए इस गतिविधि पत्रक को भी हल करते हैं। कि गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। बच्चों, संविधान होता है नियमों की किताब। तो यहाँ पर कहा गया है कि गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे चित्र में कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। तो बच्चों, आप चित्र देखकर बताएंगे कि कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। बताइए कौन सा राष्ट्रीय पर्व पर इस प्रकार की झांकी निकलती है। तो यहाँ हम लिखेंगे गणतंत्र दिवस। दूसरा प्रश्न करते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वजों में रंगों की संख्या लिखें। तो यहाँ पर आपको हमारे राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या लिखनी है। तो आपको मालूम ही है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3। अगला प्रश्न, मार्चिंग टीम द्वारा बनाई गई आकृति का नाम बताइए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं ये जो मार्चिंग टीम है इसने कौन सी आकृति बनाई हुई है, ये त्रिभुज वाली आकृति बनाई हुई है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है, ऊपर दिए गए चित्र की मदद से दिए गए ध्वज में रंग भरिए। तो बच्चों, ये जो ध्वज है इसमें आपको रंग भरना है। कौन सा रंग भरना है, सबसे ऊपर केसरिया,
फिर यहाँ सफ़ेद और यहाँ हरा। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है मैंने केसर या रंग जिस आकृति में भरा है उसका नाम डैश है, तो यहाँ हम आयत लिखेंगे। दूसरा, मैंने हरा रंग जिस आकृति में भरा है उसका नाम डैश है, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत। आगे, मैंने नीला रंग जिस आकृति में भरा है उसका नाम है डैश, तो यहाँ हम वृत्त लिखेंगे। तो बच्चों, झंडे में जो वृत्त होता है, 24 तीली वाला जो चक्र होता है, उसमें नीला रंग होता है, तो यहाँ हम वृत्त लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है नीचे दिए गए चित्र में वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज गिनिए, चित्र में अपने मनपसंद रंग भी भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो ये चित्र दिया गया है इसमें आप वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज गिनेंगे और चित्र में अपनी मनपसंद रंग को भरेंगे। तो चलिए पहले हम वृत्तों की संख्या गिनते हैं। वृत्तों की संख्या गिनेंगे, कितने वृत्त हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 26, 26, 27, 27 तो कितने वृत्त हैं? 27। तो यहाँ हम 27 लिखेंगे। आगे लिखा है आयतों की संख्या। अब यहाँ पर हम आयतों की संख्या देखेंगे, कितने आयत हैं? तो बच्चों, इस पिक्चर में मुझे कुल 36 आयत दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 36 आयत दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। अगर हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे तो देखेंगे त्रिभुज हमें यहाँ पर कुल 5 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। चलिए अब वर्गों की संख्या ज्ञात करते हैं। अगर हम इस पिक्चर में दिए गए वर्गों को गिनेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ वर्गों की संख्या 18 है, तो यहाँ हम वर्गों की संख्या 18 लिखेंगे, क्योंकि इस पिक्चर में कुल 18 वर्ग हैं। चलिए रीडिंग कैंपेन पठन अभियान की नेक्स्ट वर्कशीट हल करते हैं। वर्कशीट 9। बच्चों, यह वर्कशीट 27 जनवरी 2022 की है। इस वर्कशीट में गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया है, तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। आपने 26 जनवरी की परेड को कल टीवी पर देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा हमारा राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। इस दिन दिल्ली के राजपथ पर बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों? कोई एक बात लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों। आपको कोई भी एक बात लिखनी है तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं देश के लिए बड़ा होकर एक टीचर बनूँगा, क्योंकि मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ और मेरे देश का हर बच्चा शिक्षित हो, मैं यही चाहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखें और अपने शिक्षक, शिक्षिका, अभिभावक को दिखाएं अथवा उन्हें सुनाएं। तो बच्चों, यहाँ पर एक कहानी बनानी है आपको। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को उस कहानी में शामिल करना है। कौन कौन से शब्द हैं? विद्यालय, बच्चे, झंडा, देशभक्ति, शपथ, खुशी,
सम्मान। तो आप कोई भी एक छोटी सी कहानी बनाएंगे, इन शब्दों को शामिल करेंगे और अपने अध्यापक अध्यापिका को लिखकर दिखाएंगे या उन्हें वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजेंगे ताकि वो इसे सुन सकें। तो चलिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ एक छोटी सी कहानी लिखी है। 26 जनवरी का दिन था। विद्यालय में सभी बच्चे गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगे हुए थे। तैयारियों को पूरा करते ही समारोह शुरू हुआ। समारोह में बच्चों ने देशभक्ति पर भाषण व गीत सुनाए तथा शपथ ली। गीता ने भाषण में बताया कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तभी देश के सम्मान में झंडा फहराया गया तथा राष्ट्रगान गाया गया। उसके बाद सभी बच्चों ने अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रदर्शित किए तथा खूब खुशी के साथ इस आयोजन को संपन्न किया। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखी है। इसी प्रकार आप भी एक छोटी सी कहानी लिखेंगे। तो चलिए, रीडिंग कैंपेन पठन अभियान की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। दिनांक 28 जनवरी 2022 को वर्कशीट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। बच्चों, यह वर्कशीट गणित विषय की वर्कशीट है, तो चलिए इसे हल करते हैं। प्रश्न एक, संख्याओं के क्रमानुसार बिंदुओं को जोड़िए और प्राप्त चित्र में रंग भरिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ बिंदुएँ दी गई हैं। रेड कलर की जो लाइन है वो 1 से लेकर 22 तक पहले से ही मिली हुई हैं। उसके बाद आपको 22 से यहाँ 23, ये इस तरीके से मिलाते हुए इस बिंदुओं को पूरा जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। आप देख सकते हैं, ये आकृति बन गई है। अब इस आकृति बनने के बाद आप इसमें रंग भरेंगे। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, चित्र में सबसे आखिर में किस बिंदु को जोड़ा। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि सबसे आखिर में कौन सी बिंदु है, ये वाली 124 वाली। तो यहाँ पर हम 124 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न संख्याओं में अंकों की संख्याओं को लिखिए। तो बच्चों, अब ये संख्या दी गई हैं, इनमें आपको अंकों की संख्या लिखनी है। पहली संख्या है 96, 96 कितने अंक हैं, 1, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। दूसरी संख्या है 3, 3 में कितने अंक हैं, 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तीसरी संख्या है 315, तो यहाँ पर कितने अंक हैं, 1, 2, 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, ग्रेटर देन और लेस देन का प्रयोग करते हुए उपरोक्त 3 संख्याओं को बढ़ते एवं घटते क्रम में लिखिए। तो बच्चों, ये जो 3 संख्याएं थी, 96, 3 और 315, इन्हें आपको घटते क्रम और बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी जो है 3, फिर उसके बाद 96 और फिर 315। इस प्रकार का चिन्ह भी लगाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में संख्याएं लिखेंगे तो आएगी 3, फिर 96 और फिर 315। अगला करते हैं, अब यहाँ घटता क्रम। अब इन्हीं संख्याओं को घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे जो कि 315 है, फिर उसके बाद 96 लिखेंगे और सबसे आखिर में 3 आ जाएगा। चिन्ह हम जरूर लगाएंगे, ग्रेटर देन और लेस देन वाले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है समान अंक, बाएं से पहला अंक देखिए, फिर से समान, बाएं से दूसरा अंक देखिए और इसी प्रकार चलते रहिए। बड़ा अंक बराबर होता है बड़ी संख्या। तो बच्चों, यहाँ पर समान अंक के बारे में बताया गया है कि बाएं से पहला अंक देखना है, अगर समान है फिर से बाएं से दूसरा अंक देखना है और इसी प्रकार चलते रहना है। जब बड़ा अंक आएगा तो इट मीन्स बड़ी संख्या। चलिए पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न है 98, 112, 60, 100, 4 को घटते क्रम में लिखिए। तो बच्चों, इन संख्याओं को हमें घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 112, तो यहाँ 112 लिखा है। फिर उसके बाद 100, तो यहाँ 100 लिखा है। उसके बाद
उससे छोटी संख्या 98, तो यहाँ 98 लिखा है। उसके बाद 60 है उससे छोटी संख्या, तो 60 लिखा है। फिर 4 है तो 4 लिखा है, तो यहाँ हमने घटते क्रम में लिखा है। बाद सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, और सबसे आखिर में सबसे छोटी संख्या लिखी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, चित्र में प्रयुक्त किन्हीं चार संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बच्चों यहाँ ऊपर जो चित्र दिया गया था, जिसमें ये वाला चित्र, इस वाले चित्र की हम बात कर रहे हैं। कौन सा चित्र? ये वाला जो चित्र आपकी वर्कशीट में दिया गया था, इसके अंदर 1 से लेकर 124 तक की बिंदुएं हैं, मतलब अंक भी लिखे हुए हैं 1 से लेकर 124 तक। चलिए तो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में कहा गया है कि चित्र में प्रयुक्त किन्हीं भी चार संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें। तो आप कोई भी चार संख्याएं लिखेंगे और उन्हें बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 16, फिर 30, फिर 53 और फिर 90। तो हमने यहाँ पहले 16 लिख दी, फिर 30, फिर 53, फिर 90। तो आप इसी प्रकार इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो आप कोई भी 1 से लेकर 124 के बीच की चार संख्याएं लेंगे और उन्हें बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो चलिए इस वीक की रीडिंग कैंपेन की लास्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं, जिसका सीरियल नंबर है 11। बच्चों यह वर्कशीट 29 जनवरी 2022 की है और यह है इंग्लिश सब्जेक्ट की है। तो चलिए इस वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों। इट कैन बी लॉट ऑफ फन टू एंजॉय थिंग्स अराउंड अस राइटफुली। अपने आसपास की चीज़ों को राइटफुली एंजॉय करना काफ़ी मज़ेदार हो सकता है। इट इज़ आवर राइट टू गो टू स्कूल। स्कूल जाना हमारा अधिकार है। टू वॉक ऑन रोड, सड़क पर चलना। गो टू अ हॉस्पिटल, अस्पताल जाना। टू अ मोन्यूमेंट, स्मारक स्थल जाना। अ पार्क एंड अ टेम्पल, पार्क और मंदिर में जाना, ये सब हमारा अधिकार है। इट इज़ ऑल्सो आवर राइट टू एन्जॉय द फ्लैग होस्टिंग ऑन आर नेशनल फेस्टिवल्स। अपने राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडारोहण अर्थात फ्लैग होस्टिंग को एन्जॉय करना भी हमारा अधिकार है। इट्स ऑल फ्री 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 एज इट इज़ आवर राइट, ये सब निःशुल्क है, निःशुल्क है, निःशुल्क है, मीन्स मुफ्त है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। Here is a story where a child like you not only enjoys his rights but is responsible too. यहाँ पर एक स्टोरी है एक बच्चे की, आप ही की तरह का एक बच्चा है जो ना केवल अपने राइट्स को एंजॉय करता है परंतु रिस्पॉन्सिबल भी है। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और एंजॉय करिए। अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी, और स्टोरी के पीछे जो मैसेज है उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। इट वॉज 26th January रिपब्लिक डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे का दिन था। मानव वॉज ड्रेस्ड इन वाइट क्लोथ्स एंड वाइट कैनवस शूज। मानव ने सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद कैनवस शूज पहने हुए थे। ही एडमायर्ड हिमसेल्फ इन द मिरर एंड स्माइल्ड। उसने मिरर में देखकर स्वयं की प्रशंसा की और मुस्कुराया। मिरर होता है दर्पण, जिसे शीशा भी कहते हैं। He left his home early to attend the flag hoisting. वह अपने घर से जल्दी निकला flag hoisting देखने के लिए। It had rained the previous night. Previous night को अर्थात पिछली रात बारिश हुई थी। Small puddles of water were all over the road. सारे रोड पर small puddles of water, जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ था। मानवी and her neighbors also left home. मानवी और उसके पड़ोसी भी घर से निकल चुके थे। She was wearing a bright saffron dress and shoes. उसने चमकदार केसरिया रंग की ड्रेस और शूज पहने हुए थे। मानवी splashed the water in the puddle and laughed. मानवी ने जो सड़क पर पानी इकट्ठा हुआ था उसकी छींटे बखेरी और खुश हुई। जैसे पानी में कूदते हैं छपाक और पानी छिटक जाता है। Be responsible. मानव टोल्ड मानवी, मानव ने कहा मानवी बी रिस्पॉन्सिबल, थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बनो। डू नॉट डर्टी योर शूज, दे विल बी वेट एंड मडी। अपने शूज को गंदा मत करो, वे गीले हो जाएंगे और उनमें मट्टी चिपक जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही ट्राइड
टू स्टॉप हर, उसने उसे रोकने की कोशिश की। मानवी, योर मदर विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम वॉशिंग एंड ड्राइंग देम। मानवी, आपकी मम्मी को मुश्किल होगी उन्हें धोने में और सुखाने में। डोंट, प्लीज डोंट, प्लीज़ मत करो, ऐसा मत करो। बट मानवी डिड नॉट केयर, परंतु मानवी ने परवाह नहीं की। बोथ रीच द ग्राउंड, दोनों ग्राउंड पहुँचे। अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड, बहुत भारी भीड़ इकट्ठा थी। एज द फ्लैग वॉज फ्लाइंग हाई ऑन इट्स पोल, मानव फेल्ट प्राउड दैट ही हैड बीन अ रिस्पॉन्सिबल बॉय। अब यहाँ वियर योर थिंकिंग हैट्स नाउ, थिंक एंड आंसर, अब आपको सोचना है और आंसर करने हैं। डू यू थिंक दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे, वाई, क्या आपको लगता है कि यह स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में है और क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे, येस दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे बिकॉज इट वॉज 26th January। हाँ, ये स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में है क्योंकि 26 जनवरी का दिन था, और बच्चों आपको मालूम ही है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोरी एंड राइट हाउ यू यूज देम इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। स्टोरी में से कुछ ऑब्जेक्ट्स लीजिए और बताइए कि आप रिस्पॉन्सिबल वे में उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ड्रेस, ड्रेस को लिया गया है, एक ऑब्जेक्ट ड्रेस है, तो यहाँ पर सेंटेंस है, आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन, मुझे अपने ड्रेस को साफ रखना अच्छा लगता है। इसी प्रकार आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उनके बारे में रिस्पॉन्सिबल वे में उन्हें यूज़ करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस बना सकते हैं, टीथ, आई लाइक टू कीप माई टीथ क्लीन, मुझे अपने दांतों को साफ रखना अच्छा लगता है। शूज़, I like to keep my shoes clean, मुझे अपने जूतों को साफ रखना अच्छा लगता है। Hair, I like to keep my hair comb, मुझे अपने बालों को कंघी करे रखना अच्छा लगता है। Next, flag, we should always respect our national flag, हमें हमेशा अपने national flag की respect करनी चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।